आपका स्वागत है। आज हम आपको सीतामढ़ी के सोनवर्षा प्रखंड ले चल रहे हैं, जहां पर नेपाल पुलिस के द्वारा भारतीय लोगों पर फायरिंग किया गया है। आइए इस घटना के बारे में हम जानते हैं। मतलब क्या कर रहे थे जो इस गोली चला दिया? हम तो ऐसा ही घूमने गए थे, वहाँ पर विवाद हुआ था तो गए थे देखने क्या हो रहा है। और किस में विवाद हो रहा था? हाँ, मेरे गांव का आदमी था। अच्छा, तो कोई आदमी आया था रिश्तेदार मिलने के लिए, लेकिन इसीलिए विवाद हो गया है। तो वो लोग हवाई फायरिंग करने लगा नेपाल पुलिस से। अच्छा, तो हम लोग इधर से गए हैं तो वो लोग लगा इधर गोली चलाने। इसी में चार आदमी का गोली लगा हुआ था, दो आदमी डेड कर गया और दो आदमी हॉस्पिटल में। और कहाँ गया हो सर? नीचे ऑपरेशन चलने के लिए ऑपरेशन में गया। तो ये मतलब कि किसके किससे बीच में विवाद हो गया था जो आप लोग देखने के लिए गए थे? मेरा गांव का आदमी है ना। उसका नाम क्या है? नाम उसका है शत्रुघ्न। अच्छा, और विवाद का कारण क्या था? विवाद के कारण कोई नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं, मिलने के लिए आया था। ठीक है। अच्छा, वो बाहर से कहाँ से? नेपाल से मिलने के लिए, हमारे यहाँ उसका लड़की रहता है ना। अच्छा अच्छा, उसी से मिलने के लिए आया था। अच्छा, तो वो मिलने नहीं दे रहा है, बोला है कि उधर जाओ तो इधर आओ। और नेपाल का आदमी आता है तो इंडिया से सब सामान ले जाता है, बहुत कोई कोई सामान ले जाता है, तो उसके लिए रोक नहीं है, मिलने के लिए रोक रहा है। यही बात के लिए हो गया विवाद, इसीलिए गोली चलाने लगा। ओ, नेपाली पुलिस है। क्या आदमी है? कितने आदमी है? दो आदमी। यही दो है ना? अच्छा अच्छा, तो ये भैया इसका इनका नाम क्या है? उमेश राम। घर कहाँ है? सुनो ना, क्या हुआ था आज? क्या हुआ है? अच्छा बोलो ना, थोड़ा सा तो हमको बोल ना। तो भैया बोलिए, क्या बंदी का था? एक मिनट आइए, तो इधर आइए, इधर आइए। आपका नाम जी? आपका नाम? ताबीराम। क्या हुआ है आज? आपका नाम? उमेश। क्या हुआ है? क्या उनके साथ क्या घटना घटा? नहीं बता दी। जो दूसरे आदमी से झगड़ा उमड़ा हो रहा है बॉर्डर पर, क्या? अच्छा। तो उसी के लिए ही मेरा देवर दूसरे आदमी उसको फोन कर दिया, इधर आओ ना, से झगड़ा यहाँ हो रहा है, ये देख रहा है ना, तो उसी से सशस्त्र वाला गोली चला दिया, तो गोली चला दिया कि भागा तो उसको पैर में गोली मार दिया। अच्छा। एक आदमी को दरे पर खत्म कर दिया, एक आदमी को और हाथ में लगा हुआ है, दो आदमी का, एक आदमी का और गोली मार कर नेपाल वाला घींच कर ले गया उधर, और तीन आदमी इधरे आ गया। तो यहाँ पर क्या, कितने आदमी के साथ था? इधर का यहाँ पर, यहाँ पर आए हैं दो ड्राइवर साहब, एक तो और गोली मारने वाला है तो ना, अति लगा हुआ है तो ना, ये जो है मेरा गोली पैर में लगा है से मेरा देवल। क्या नाम है देवर का? क्या नाम? देवर उदय ठाकुर नाम है। क्या झगड़ा का नाम? आपका इंद्रासन देवी। किस कारण से झगड़ा हुआ था? ये दूसरे आदमी से विवाद हो रहा है ना, तो उसमें देखा है, तो देखने गया तो उसी के उसको गोली मार दी। कितने उसमें मौत भी हुई है किसी की? एक जाके मौत हो गया है ललमंदी का। कहाँ? उसको नाम तो अभी हम तो नहीं पूछ सके, हम तो हरबली में भागे हैं, सोनवर्षा सदर अस्पताल में उसको रखा गया है। कहाँ घर पड़ता है आपका? सहोरवा हमारा घर है। सोनवर्षा थाना है? हाँ, सोनवर्षा थाना।
अच्छा अच्छा सशस्त्र बल कहाँ क्या था वो? नेपाल का था। नेपाल बॉर्डर से हुआ था? नेपाल हाँ, था डंटा। जब डंटा लगा दिया तो इधर से बोला कि सार मार जाओ, बोला इधर से आदमी, इसका बाद उसका गोली चलाने लगा। कहाँ घटना घटा ये? वो दरबार से उत्तर है बॉर्डर पर। कहाँ बॉर्डर कहाँ? सोनवर्षा जानकी नगर और हलमाल नगर है ना, सोनवर्षा में नहीं आगे सहोरवा लगर। अच्छा तो वहाँ क्या बॉर्डर है? थाना के अंतर्गत बॉर्डर पड़ता है। विवाद हुआ तो क्या हुआ? विवाद हुए वही मतलब विवाद हुआ, हम तो घर पर थे, सुन रहा है कि कोई बच्चे बोने से विवाद हो गया तो मार बैठा। कौन मार बैठा? पुलिस नेपाल वाला। गोली चलाने लगा? हाँ, तो बाद में बोला कि सब बोला कि पकड़ो जाओ मारता है, तब गोली चलाने। कितना फायरिंग किया वो लोग? 17 फायरिंग हुआ। तो कितने लोग घायल हुए? सर पाँच को हुआ है, पाँच को चार को। किसी की मौत भी हुई है? हाँ, मौत हो गया है वो सुमरसा में आकर के आयो के तो घींच कर ले गया नेपाल में। अच्छा, जिसको ले गया वो घायल था? हाँ घायल था। अच्छा, इसका बाद में दो के यहाँ लाया है कि थोड़ा में लगा है आयो के बाह में लगा है। ओ उसका समझ ही नहीं आया था नेपाल से ऐसे बॉर्डर पर ऐसे कि मुलाकात करने के लिए, ये अपने पुतोह कर लेकर गया है वो अपने समधिनी का पास। वो जाकर के बोला है कि अंदर नहीं जा, उसी बॉर्डर पर बैठकर बतिया रहे थे। ऐसे बातें बातें में एक दो डंटा मार बैठा है नेपाल वाले पुलिस। ये भी कुछ न कुछ बोला होगा कि ऐसे हम सब कोई चोरी बदमाशी चाहे कुछ हिला नहीं रहे। हम तो सिर्फ हम सब मुलाकात करने के लिए आए हैं, फिर भी डंटा चला गए। इसी सब का कारण जो इसी इधर से दो चार आदमी सब गए हैं। ऐसे कि कहीं भी हल्ला होता है तो वहाँ तो आदमी पहुँचते हैं, ऐसे वहाँ पर पहुँचे हैं, उधर से तरह तरह फायरिंग का किया है जो नेपाल का जो यही विकेश भी वहीं देखने गए थे। उसको तो सुबह में हम काम करने के लिए भेजे हैं, खेत में बॉर्डर साइड में खेत पड़ता है, काम करने के लिए भेजा है। यहाँ पर कोई बॉर्डर पर हल्ला हुला हुआ है, दो चार नौ युवक जो था वहाँ पर जाकर ऐसे है कि देखने को भी उसे गए हैं, लेकिन वो नेपाल वाला जो है ट्रस्ट वो जाकर वो गोली एक गोली नहीं 17 फैरिंग। 17 फैरिंग एक में बोर न छुए की बोर न छुए की एक में बोर आपको बोर न छुए बोर देखा बोर था घुमड़ा में ना थे आपको बोलिए कि घुमड़ा में आदमी का आप लोग का फोटो खिंचा रहा है।
नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। पेट के बल सोना सीखो। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। जब आप पीठ के बल सोते हो तो पोस्टीरियर लंग्स का जो पोर्शन है वो खुलता नहीं है और लेटरल लंग्स पूरे नहीं खुलते। उस सिचुएशन के अंदर में अगर आपको कोरोना होता है तो कोरोना हमेशा लंग्स का पोस्टीरियर पोर्शन इन्वॉल्व करता है या लेटरल पोर्शन इन्वॉल्व करता है। सो अगर आप पेट के बल सोने की कोशिश करते हो और सीख लेते हो, याद रखिए सारे जानवर पेट से सोते हैं, कोई पीठ के ऊपर में नहीं सोता। सो अगर आप पेट के बल सोते हैं, जिसे प्रोनिंग बोलते हैं, और आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो लंग्स पूरे खुलते हैं, इससे आपकी ऑक्सीजन लो नहीं होती। और ऑक्सीजन की भी अगर आपको जरूरत पड़ी और अगर आप ऑक्सीजन को भी प्रोनिंग लगा के सोते हो तो ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है और आप प्रोनिंग के साथ में हाई फ्लो नेजल कैनुला लेते हो या नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन रखते हो तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ी और आप प्रोनिंग पोजीशन में 12 घंटे रोज का वेंटिलेटर लेते हो तो आपको बचने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिए, आज से, अभी से, आज रात को जब सोएंगे तो पेट के बल सोना सीखिए। नहीं सो सकते तो अल्टरनेट करिए, कभी पेट पे कभी साइड पे, कभी पेट पे कभी साइड पे। सीधे मत लेटिए, खर्राटे भी नहीं आएंगे, सडन डेथ भी नहीं होगा, रात को हाइपोक्सिया भी नहीं होगा, और अगर कोरोना हो गया तो आपको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर आपको लगता है इसमें कोई नई बात है तो इसे फॉरवर्ड करना ना भूलें। नमस्कार। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं जो पीड़ित हैं उनके परिवार के प्रति और व्यवसायी समाज के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं खुद ही सुन करके आया, सीतामढ़ी से मेरा बहुत लगाव रहा है, मुजफ्फरपुर में भी आ जी रहा हूँ, यहाँ आ जी रहा हूँ। 6 साल तक सीतामढ़ी की सेवा करने का हमको मौका मिला है। यहाँ के एक एक लोग हमको जानते हैं, मैं भी सारे लोगों को जानता हूँ। व्यवसायियों को लक्षित करके इस तरह से जो अपराध किए जा रहे हैं, इस रैकेट को हम लोग ध्वस्त कर, मैंने एसटीएफ की टीम बुलाई है, यहाँ चिंता रहेगा, एसटीएफ के डीएसपी को बुलाया है। एक साल में जितने इस तरह के अपराध हुए हैं, आज रात भर बैठ कर के उनका रिव्यू करूंगा और इस कांड का उद्भेदन होगा और हर हालत में होगा। जो लापरवाह और दोषी पदाधिकारी होंगे उन पर भी कार्रवाई।